इतने सारे सवाल किए कि जो साहब ने कहा कि जी तरावी का मसला, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह आपने कहा कि एक सज्दे पे 15,000 सज्दों का, ये मेरे इल्म में नहीं है। इल्म जो है वो समंदर है। अलबत्ता जो तबलीगी जमात वाले हमारे हजरात कहते हैं, ये नुक्ता मैं वाज़ह करूँ कि अल्लाह के रास्ते में एक नमाज पढ़ने का सवाब कितना मिलता है, कोई तबलीगी जमात वाला नहीं है, हैं? 49 करोड़ कितना मिलता है? 49 करोड़। लोग इतराज करते हैं कि जी ये 49 करोड़ किस आयत में है, किस हदीस में है, कहाँ पे लिखा हुआ है। तबलीगी जमात वाले मिस्कीनों ने कभी ये नहीं कहा कि हदीस में आया है कि 49 करोड़। ठीक है, वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो उसको सवाब मिलता है 27 गुना ज्यादा। जो शख्स जमात के साथ नमाज पढ़ता है उसको सवाब मिलता है 25 गुना ज्यादा। तो एक आदमी अगर मस्जिद में पढ़ता है तो उसको इतना सवाब मिलता है। फिर अगर कोई मिसवाक इस्तेमाल करता है तो वो नमाज जो कि मिसवाक के इस्तेमाल के बाद आप पढ़ते हो, 80 गुना उसका ज्यादा सवाब मिलता है, उसको मल्टीप्लाई करो। तो तबलीगी जमातों ने कभी ये नहीं कहा कि हदीस में आया है कि 49 करोड़ का लफज, 49 करोड़ का लफज हदीस में नहीं है। लेकिन ये बात गलत भी नहीं है, बात समझ में आ गई ना, ये बात गलत भी नहीं है, इसलिए कि 49 करोड़ बनता है। आप मस्जिद में पढ़ते हो, जमात के साथ पढ़ते हो, तकबीर तहरीमा के साथ, मिसवाक इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह के रास्ते में अपना बिस्तर उठा के निकले हुए, तो इसलिए आपका अजर मल्टीप्लाई हो जाता है और एक नमाज का अजर आपको इतना मिलता है। हजूर ने फरमाया कि जो शख्स ये दुआ करे कि अल्लाहुम्मग़फिर लिजमीउल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, एक दुआ है। अब एक शख्स ने कहा कि अगर कोई ये दुआ पढ़ता है तो उसको 1.84 बिलियन नेकियां मिलेंगी। अब वो क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स ये कहे कि या अल्लाह तमाम मोमिनीन और मोमिनात की मगफरत फरमा, या अल्लाह सारे मोमिन मर्दों औरतों को बख्श दे, सिर्फ ये दुआ आपने की, तो जितने मोमिन औरतें और मोमिन मर्द हैं हर एक के बदले में अल्लाह आपको एक नेकी देता है। और आज दुनिया में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 1.84 बिलियन। ठीक है, तो हर एक मोमिन के बदले आपको एक नेकी मिल रही है। तो अगर तारिक जमील साहब ने इस तरह बात की है, वरना ये बात सही है कि उसने ये नहीं कहा होगा कि हदीस में आया है।